हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर कंपनी की, जो सॉफ्टवेयर सेक्टर से जुड़ी हुई है, छोटी कंपनी है, पेनी स्टॉक है। क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, या फिर इसके अंदर कितना रिस्क रिवार्ड बनता है, उस सबको हम डिस्कस करेंगे। अब बात है कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल 97-98% आपका जो पैसा है, आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट मतलब अच्छी मिड कैप और लार्ज कैप में होना चाहिए, लंबे टाइम के लिए होना चाहिए। और 2-3% पैसा जो है आपका पेनी स्टॉक्स में या स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग मतलब महीने, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए 8-10% जो ब्रेकआउट देते हैं चार्ट के ऊपर, उस टाइप से भी आप कर सकते हो। या किसी लो लेवल पे लिया और हाई लेवल पे बेचा, इस टाइप से भी आप कर सकते हो। या कुछ पैसा आप पेनी स्टॉक्स में भी लगा सकते हो जो आपको, आपके पोर्टफोलियो को अल्फा जनरेट करें। अब ये 2-3% जो पैसा है वो भी आपको पेनी स्टॉक्स में जो लगाना है, ऐसे पेनी स्टॉक्स होने चाहिए जिसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी हो, प्लज शेयर ना हो, डेट कम हो, अच्छे सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी हो और रिजल्ट्स अच्छे देने की क्षमता रखती हो आने वाले टाइम में। या फिर स्टॉक का प्राइस ऐसा हो जो टेक्निकल बैकग्राउंड पे आपको कुछ ब्रेकआउट्स दिखा रहा हो या कुछ अच्छे मूवमेंट्स देने की कैपेसिटी रखता हो, तो उस लेवल के ऊपर जहाँ पर आपको रिस्क कम हो और रिवार्ड ज़्यादा देखने को मिले, तो वहाँ पर हमें छोटा कंपनी है तो छोटी ही अमाउंट उसके अंदर लगानी चाहिए। बट लगानी चाहिए क्योंकि पैसा अगर बनता है ब्रेकआउट्स के ऊपर तो बिल्कुल लगाना चाहिए। तो हम चार्ट के ऊपर भी इसे डिस्कस करेंगे, किस टाइप के इसके चार्ट्स दिखाई देते हैं, किस लेवल पे लेना चाहिए और किस लेवल पे इसे बेचना चाहिए। उससे पहले हम देख लेते हैं किस टाइप की ये कंपनी है और क्या करती है और क्या प्राइस इसका चल रहा है। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज जो था इसका 1 रुपया था, ओपन होता है आज 1.05 रुपये पे, हाई भी आज 1.05 रुपये का है और लो जो है 95 पैसे का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर भी आपको यहाँ पर एक डिप देखने को मिला है 0.95 का और यहाँ पर 1.05 रुपये का अपर सर्किट इसके अंदर लगता हुआ दिख रहा है और अभी 1 रुपये बिल्कुल फ्रेश इसके अंदर दिखाई दे रहा है, जैसे आप देख सकते हैं 11:34 के आसपास 21 जनवरी को। तो 5 दिन का आप देखेंगे तो 90 पैसे का लो था इसका और हाई जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.05 रुपये का बनाया है। 1 मंथ का देखेंगे तो 60 पैसे से स्टॉक चलता हुआ आपको 1.20 तक भी गया था, यानी पैसा डबल किया था। उसके बाद जो डाउन आया है 90 पैसे और अभी अगेन 1.5 के आसपास है। अगर 1 ईयर की बात करेंगे तो ये स्टॉक जो है 20 पैसे से ऑलमोस्ट आपको 1 रुपये 20 पैसे, यानी 6 गुना ये पैसा 1 साल के अंदर आपका करके दे चुका है। तो पेनी स्टॉक है, फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं इनके अंदर। फंडामेंटल ऐसे होने चाहिए कि अगर आपको थोड़ा सा लंबा टाइम रखना है तो उसे सपोर्ट करे या टर्न अराउंड स्टोरी हो जो लंबा चल सके, उस टाइप से होना चाहिए। अभी हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप जो है 171 करोड़ का है, ROC माइनस में है 4.86%, ROE देखेंगे -6.45% के आसपास की है, बुक वैल्यू 1.79 की है। इसके ऊपर बिल्कुल गौर किया जा सकता है कि बुक वैल्यू से आपको लगभग 40-45% के आसपास का डिस्काउंट पे ये शेयर जो है मिल रहा है, ट्रेड करता हुआ मिल रहा है। 1 रुपये की फेस वैल्यू है, डिविडेंड पे नहीं करते हैं, 52 भी खाई 1.25 का है, लो देखेंगे तो 10 पैसे का है। प्रमोटर की जो भी होल्डिंग है इसके अंदर, कुछ भी इसके अंदर प्लज नहीं है, 0% प्लज है। इंडस्ट्री पी 24.2 है बट इसकी पी आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि EPS जो है इसकी माइनस में इस टाइम चल रही है। इसका देख लेते हैं कंपनी, आप जैसे देख सकते हैं FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग, तो सॉफ्टवेयर से जुड़ी कंपनी है। चार्ट के ऊपर जब इसने जो है 2 जून को 20 पैसे का लेवल क्रॉस किया तो उसके बाद ये एक अप ट्रेंड में स्टॉक जरूर बना हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स को देखें तो 9.84 की जो सेल्स हुआ करती थी दिसंबर 2017 में, वो 9.03 के आसपास की है, ऑलमोस्ट एक रेंज के अंदर ही आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो थे 7.83 से 30 के आसपास पहुंचे हैं, अच्छे इंप्रेसिव हैं, बट इसके अंदर अप डाउन काफ़ी हैं, -77 भी हैं और +33 भी हैं, तो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम दिखाई देती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.77 से 2.79 है, नेट प्रॉफिट -9.42 से 1.38 के हैं। अब आप इसके अंदर एक चीज़ देखेंगे, पिछले कुछ क्वार्टर से ये जो कंपनी है लगातार लॉस दे रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉस थे, बट पिछले 2 क्वार्टर से ये प्रॉफिट में आई है 1.03 और 1.38। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स जरूर देखने वाले होंगे,
कि ये किस टाइप के प्रॉफिट देते हैं। अगर थर्ड कंजेक्टिव जो क्वार्टर है ये प्रॉफिट्स देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टॉक प्राइस आपको चलता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर भी 190 करोड़ की जो 2009 में सेल्स हुआ करती थी अब सिर्फ 37 रह गई है। 22% के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो 6% हैं, वो भी माइनस में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42 के थे तो -2 में है। नेट प्रॉफिट जो 25 करोड़ का हुआ करता था -24 है। तो पिछले कई सालों से 2013 से ही आप देखेंगे ये कंपनी जो है लगातार लॉस दे रही है। अब इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 21 जो क्लोज होगा उसके अंदर देखना होगा, क्योंकि दो क्वार्टर के रिजल्ट ऑलरेडी पॉजिटिव दे चुके हैं, तो दिसंबर के पॉजिटिव आते हैं और मार्च के पॉजिटिव आते हैं, तो ये काफ़ी टाइम बाद ऐसा होगा कि ये कंपनी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए दिखाई देगी 2013 के बाद से। इसका डेट की बात करें तो 10 करोड़ की जो डेट हुआ करती थी वो अब 26 करोड़ के आसपास की है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 0.08 है, जो कि निगलिजिबल है, मैनेजेबल है, मैनेज कर सकती है अगर मैनेजमेंट बिल्कुल सक्षम है उस चीज़ के अंदर। रिजर्व्स जो 133 के थे ऑलमोस्ट वही है 135 के आसपास। एसेट्स 174 से 344 हुए हैं। जो शेयर कैपिटल है वो काफ़ी इंक्रीज हुई है 14 से 171, तो ये काफ़ी इंक्रीज की है। तो स्टॉक आपको इसलिए भी चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि शेयर कैपिटल काफ़ी ज़्यादा है। अगर डेटर डेज को देखें तो 53 के आसपास हैं, जो कि पहले 78 तक भी इन्होंने मैनेज किया है, बट 53 स्टिल हाई है इनके हिसाब से, क्योंकि 34 तक भी ये इसको ले आए थे बट अब यहाँ 53 है। डेटर डेज है जो ये क्लाइंट से सर्विसेज देते हैं, क्लाइंट को वहाँ से जो पैसा आता है वो कितने दिन बाद इनका एवरेज मनी जो है वापस आता है। अगर आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग पिछले कई क्वार्टर से 19.65 के आसपास बनी हुई है। कंस्टेंट तो है बट ये काफ़ी लो प्रमोटर होल्डिंग है 19.65 की। पब्लिक होल्डिंग 80.31 की है आप देख सकते हैं, और इसके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग हाथों में जरूर शेयर नजर आते हैं 12% 15% 1-1-2% मतलब 27-28-29-30-31-32-33% जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में, यानी 48 के आसपास जो है जनरल पब्लिक के आसपास पैसा आपको दिखाई देगा। तो इस टाइप से इस कंपनी के फंडामेंटल्स हैं। दो क्वार्टर से रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं और नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जरूर देखने होंगे। डेट मैनेजेबल है, प्रमोटर होल्डिंग जरूर इनकी डाउन नजर आती है। तो इस टाइप से इस कंपनी के बिल्कुल आपके फंडामेंटल हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग जो है प्लज नहीं है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो भी आप देखेंगे तो मार्च 2020 में 0.09 है, जो कि मैनेजेबल है। अगर रिजल्ट्स की बात करें, अभी इन्होंने ये अनाउंस नहीं किया है कि कब इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर चार्ट्स के ऊपर हम डिस्कस करें, ये जीरोधा का चार्ट है, वन डे वन डी आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं एक कैंडल जो है वन डे को रिप्रेजेंट करती है, ओपन क्लोज हाई लो को। इस चार्ट को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक रेंज के अंदर ये स्टॉक जो है चलता हुआ आपको काफ़ी टाइम नज़र आता है। आप देखिए यहाँ पर भी 10-20 पैसे के आसपास ये स्टॉक जो था 20-25 पैसे के आसपास रहा है। उसके बाद एक ब्रेकआउट जरूर दिया था इसने 50 पैसे तक, अगेन ये स्टॉक जो है 20 पैसे तक आया। कोविड के टाइम पर इसने जो टच किया आप देख सकते हैं 10 पैसे को भी इसने टच किया, वो चाहे 2-3 दिन ही टच किया था बट 10 पैसे तक गया। उसके बाद अगेन ये 20 पैसे की रेंज में घूमता हुआ को नजर आया। यहाँ से इसने जो ब्रेकआउट दिया तो ये 80 पैसे तक भी गया, अगेन जो नीचे आया 35 पैसे तक ये नीचे आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसने लो बनाया था ये लो इस लो से ऊपर था, यहाँ पर जो लो बनाया इसने 35 पैसे का वो इस लो से ऊपर है 20 पैसे से। अगेन ये स्टॉक जो है इस लेवल से ऊपर गया और एक नया हाई बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस लेवल को इसने ब्रेक किया और इस लेवल को जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था यहाँ पर इसने यहाँ तक गया, ये 1.25 रुपये तक अगेन नीचे आया बट उससे पहले ही ये टर्न अराउंड हुआ। और आप देख सकते हैं ये जो लो इसने बनाया था यहाँ पर 55 पैसे का, उससे ऊपर ही इसने क्लोज दिया है। तो ये जो स्टॉक का पैटर्न देखेंगे, वैसे ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं बट कई बार ये जो चार्ट्स होते हैं अपने आप में अच्छे सिग्नल देते हैं कि कहां पर आपको स्टॉक लेना चाहिए। तो आप देखेंगे एक हायर हाई ये बनाता है, हायर लो। तो यहां पर जो है जो लो है हाई बनते जा रहे हैं आपके, यहां पर लो बनाया, अगेन यहां पर लो बनाया, इसके बाद यहां पर इसने लो बनाया, इसके बाद इसने यहां पर लो बनाया। अब ये स्टॉक अगर इसको क्रॉस करता है, क्योंकि ये एक हाई भी बना रहा है, यहां पर हाई बनाया और उसके बाद फिर यहाँ पर हाई बनाया, अब इस 1.25 को अगर ये क्रॉस करता है कुछ टाइम में तो बिल्कुल ये स्टॉक आपको 1.60-1.70 की रेंज में भी आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इस लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो ये इसका भी रेजिस्टेंस जोन है,
जैसे इसने यहाँ पर क्रॉस किया था उसके बाद अच्छा मूवमेंट दिया था, और अगर ये इसको क्रॉस करता है तो बिल्कुल ऊपर जा सकता है, और स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल का नीचे का 0.85 का होना चाहिए। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो बिल्कुल ये स्टॉक आपको इस लेवल तक भी आता हुआ दिखाई देगा, जो कि 60 पैसे के आसपास का बनता है, 55-60 पैसे के आसपास का यहाँ तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, अगर ये आपको इस लेवल तक मिलता है तो रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा आपका और रिवार्ड काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और इस लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो बिल्कुल एक मोमेंटम पकड़ सकता है ये। तो आपने देखा टेक्निकल भी और फंडामेंटल भी, अगर आपको ये स्टॉक डिप पे मिलता है तो बिल्कुल लेना चाहिए, और आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, बट हो सकता है ये लंबा कंसोलिडेट करे, क्योंकि इस टाइप के जो शेयर्स होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर लंबे लंबे टाइम तक ये कंसोलिडेट करते हैं और फ्रस्ट्रेट भी करते हैं। तो आप अगर अपनी होल्डिंग पीरियड बढ़ा सकते हैं तभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि छोटे शेयर हैं ये डीलिस्ट भी हो सकते हैं और डाउन भी आ सकते हैं, ऑपरेटर ड्रिवन है, हल्के से भी अगर कुछ न्यूज ऐसी वैसी आती है, स्मॉल कैप इंडेक्स गिरता है या फिर आईटी सेक्टर गिरता है या कैसे भी ये स्टॉक अगर गिरना स्टार्ट होता है तो बिल्कुल ये आपको द्वारा इस लेवल तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि 40 पैसे के आसपास का भी बनता है। तो छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाना, ये अपने आप ही पैसे को मल्टीपल करते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसको कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।